बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पे। बिहार में अब राजनीति बहुत अलग तरह की हो गई है। प्रवक्ता से ज्यादा अब मंत्री नीतीश कुमार के मुखर हो गए हैं। आपको पता ही है कि पहले नीरज कुमार जदयू के प्रखर प्रवक्ता में से गिने जाते थे। उसके बाद अजय आलोक ने प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया, वो भी एक प्रखर प्रवक्ता थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन प्रवक्ताओं के इस्तीफा देने से या मंत्री बन जाने से अकाल पड़ गया है जदयू में। सही और मजबूती से अपनी बात रखने वाले प्रवक्ताओं की, हालांकि संजय सिंह अपनी बात रखते हैं, निखिल मंडल भी लगातार अपनी बातें रखते हैं, और भी प्रवक्ता हैं, अंजुम आरा को भी अपनी जो स्थितियां मिली हैं, जो उन्हें जिम्मेवारियां मिली हैं, उसका निर्वहन कर रही हैं। लेकिन जिस तल्खी के साथ नीरज कुमार और अजय आलोक अपने विरोधियों पर टूट पड़ते थे, वो नहीं नजर आ रहा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर है। कल नीतीश कुमार के लापता होने की बात सामने आई थी। इस पर जब प्रवक्ताओं ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो आगे बढ़ करके अजय आलोक ने इस पर जमकर मीडिया में नीतीश कुमार का पक्ष लिया और लोगों को अपना घर परिवार संभालने तक की बात कह दी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जितने ज्यादा नीतीश कुमार पर हावी हो रहे हैं, उतना ही कम जदयू की तरफ से अब हमले हो रहे हैं। खास करके हम बात प्रवक्ता की कर रहे हैं। अब वैसे ही प्रवक्ताओं की अगर बात करें तो प्रवक्ता की लिस्ट को पीछे ढकेलते हुए एक और मंत्री हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, डॉक्टर अशोक चौधरी। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष पद से हटने के बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया था और काफी अमला फैला के साथ काफी लोगों के साथ जदयू में वो गए थे। अब वो मंत्री भी हैं, हालांकि मंत्री तो पहले भी थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब आपको बता दें कि काफी दिनों तक चुप्पी के बाद अशोक चौधरी नीतीश कुमार के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। एनआरसी पर भी उन्होंने जम करके नीतीश कुमार का पक्ष लिया और कहा कि नीतीश कुमार के रहते किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब 36 का आंकड़ा चल रहा था केंद्रीय विद्यालय को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे थे, तब भी अशोक चौधरी बाहर निकल करके आए थे और उन्होंने सीधे तौर पे इस पूरे मामले को राजनीतिक बताया था और बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा मंत्री रहते हुए आखिर क्या कर पाए। आपको याद होगा एक वाक्या और हुआ था जब अशोक चौधरी बिहार में शिक्षा मंत्री थे। आपने डियर विवाद तो सुना ही होगा, ये काफी तेजी से चला था। स्मृति ईरानी उस समय शिक्षा मंत्री थी, मानव संसाधन विकास मंत्री थी और अशोक चौधरी ने उन्हीं को डियर कह करके और सोशल मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगा था, पर एक बार फिर से जो लगातार अशोक चौधरी बहुत कैलकुलेटेड और नपे तुले शब्द बोलते थे, आज नीतीश कुमार के पक्ष में उन्होंने तेजस्वी यादव पर छू बोल दिया है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से पूरा दिन नीतीश कुमार के लापता होने पर मीडिया और राजनीतिक घरानों के साथ साथ सुर्खियों में था, बिहार की जनता भी इस बात को खूब मजे ले लेकर के चटकारे लेकर के सुन रही थी, आज उसी पर जम करके अशोक चौधरी ने अपनी भड़ास निकाली है और इशारों में तेजस्वी यादव को खूब लपेटा है। अशोक चौधरी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि अपने बिहार में एक लापता नेता है, सदन से लापता, क्षेत्र से लापता, संवैधानिक पद की जिम्मेदारियों से लापता, पिता के पुत्र होने के कर्तव्य से लापता, लालटेन लेकर खोजने पर भी पता नहीं चलता, यही चलता रहा तो 2020 में राजनीति से भी लापता हो जाएंगे, वह कौन है क्या आपको पता है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल इसी तरह का एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट का भी हम आपको मजमून बताते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर ट्वीट किया था। हालांकि यह ट्वीट सबसे पहले आपको भारत लाइव नहीं दिखाया था, जो कि लालू प्रसाद के वाल से गायब हो गया था। लालू प्रसाद ने अपने ट्वीट में इसी तरह के शब्द लिखे थे जिसका प्रयोग तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से करते हुए नीतीश कुमार पर हमले बोले थे।
तेजस्वी यादव ने कल ही ट्वीट किया था और उसके लगभग 10-12 घंटे के बाद से ये पूरी तरह से ट्रेंड करने लगा था और जदयू के लोग इस पर हमलावर हो गए थे। अजय आलोक ने भी जो बातें कही थी वो भी हमने आपको दिखाया था, पर अशोक चौधरी का और बड़ा हमला है और उसी अंदाज में हमला है। तेजस्वी यादव ने कल लिखा था कि मुंह पर ताला, कान पे जाला, आंख पे पट्टी, नहीं अता पता है वो लापता, सीए भी एनआरसी पर मौन, बूझो कौन। अब आप समझ सकते हैं कि बूझो कौन इधर भी है और बूझो कौन उधर भी है, मतलब दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा ये हमले असरकारक हैं और तल्ख हो रहे हैं। खुल करके एक बार फिर से नीतीश कुमार के मंत्रालय के मंत्री अशोक चौधरी का आना इस बात को दिखाता है कि अब वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता भी मुखर होकर के अपनी बातें रखें और नीतीश कुमार का पक्ष रखें। एक बार फिर से हमको आपको बता देते हैं कि अशोक चौधरी ने अपने ट्वीट से कैसे हमला किया है तेजस्वी यादव पर। उन्होंने लिखा है, अपने बिहार में एक लापता नेता हैं, सदन से लापता। आप समझ ही सकते हैं कि सदन से लापता का मतलब आपको अंदाजा होगा कि पिछली बार जो विधानसभा की कार्रवाई चली थी और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वो कार्रवाई थी, उस पूरे कार्रवाई से लगभग गायब रहे थे, एक दिन सिर्फ दर्शन दिए थे, उसी को लेकर के इनका ये ट्वीट है कि सदन से लापता, क्षेत्र से लापता। आपको पता है कि उनके क्षेत्र में भी लोग उनको खोज रहे हैं। संवैधानिक पद की जिम्मेदारियों से लापता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष से लापता। पिता के पुत्र होने के कर्तव्य से लापता। आपको पता है कि लालू प्रसाद जेल में है और इनके पास वक्त कम मिलता है, लेकिन कल ही लालू प्रसाद के से मिलकर स्पेशल परमिशन लेकर मिलकर तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही जिसका भी हमने आपको खुलासा किया और खबरों के माध्यम से बताया है। लालटेन लेकर खोजने पर भी पता नहीं चलता, यही चलता रहा तो 2020 में राजनीति से भी लापता हो जाएंगे। बहुत बड़ा हमला है तेजस्वी यादव पर और खास करके तेजस्वी यादव पर हमला तब ज्यादा हो जाता है जब महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर के खिचखिच चल रही हो। इसके बाद अंत में लिखते हैं अशोक चौधरी कि वह कौन है क्या आपको पता है। आप समझ सकते हैं कि अब इस हमले, दावे प्रति दावे और एक दूसरे पर प्रहार का दौर और तल्ख होगा, कारण कि चुनावी साल है और इस महीना के बाद से आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से चुनाव फुल ऑन रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।